हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स के लेटेस्ट और न्यू मोबाइल की, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 की, जिसमें 2 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी दिया गया है, जो कि मेमोरी को ही हाईलाइट किया है। और चलिए इसके पहले कि बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब टेक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी और मोबाइल की आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स पे 2 GB रैम, 64 GB इंटरनल है। और ये जो मेरे पास इस वक्त मॉडल है, ये आता है अपने हार्ट ओशन कलर के साथ, जिसमें जो है हीलियो का A22 प्रोसेसर दिया गया है। 6.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है, काफ़ी पतला नॉच दिया गया है। और जो कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो 64 GB स्टोरेज दिया गया इस रेंज में, जिसमें अभी तक जो है किसी भी कंपनी ने इस रेंज में जो है 64 GB इंटरनल मेमोरी नहीं दी थी। और इन्फिनिक्स ने पहला ऐसा काम किया है जिसमें जो है उसने 64 GB इंटरनल दी है 2 GB रैम के साथ। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर आपको जो है प्लास्टिक रैप में लिपटा हुआ मिल जाएगा स्मार्ट 6। आप उसमें देख सकते हैं कि 16.76 सेंटीमीटर का जो है डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है, फेस आईडी और है, और इसमें 8 MP का कैमरा दिया गया है डेप्थ लेंथ के साथ। वो कैमरा कर ले फोकस। और ये देखिए, ये है अपने हार्ट ओशन कलर के साथ, जो कि 8 MP का रियर कैमरा और 8 MP का डेप्थ लेंस कैमरा आता है। फिर फ्लैश है और फिर सिर्फ जो है कैमरे का एक आइकन बना हुआ है। पीछे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और डिस्प्ले जो है आपको बेजल्स, और फ़ोन भी काफ़ी पतला लगता है। लेफ़्ट साइड जो है पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन आपको मिल जाएगी। और ऊपर जो है पूरी तरीके से डीप एंड क्लीन है। और लेफ़्ट साइड की अगर बात करें तो आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जिसमें 2 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की अगर बात करें तो 3.5 mm का जैक, V8 चार्जर और स्पीकर और नॉइस कैंसलेशन आपको मिल जाता है। तो चलिए मोबाइल को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। और सबसे ऊपर ये आपको मिल जाएगा केबल, माइक्रो USB 2 V8 या टाइप ए बोल सकते हैं आप केबल को। ये है 5 वाट का आपका जो है इन्फिनिक्स का चार्जर, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और ये आपका आता है सिम इजेक्टर पिन, और ये आपको एक इन्फिनिक्स क्लब का जो है कार्ड मिल जाएगा आपको। और ये आपको नीचे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। और जो है ये आपका इसमें प्लास्टिक में आपका एक फाइबर का प्लास्टिक केस मिल जाता है, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रीमियम देता है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ जाए, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। और चलिए जो है फ़ोन को बूट कर लेते हैं। अब फ़ोन को बूट हो रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। किसी भी मॉडल की आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो उस मॉडल की अनबॉक्सिंग लेकर आऊँगा। और जब तक फ़ोन बूट हो रहा है, ये देखिए आपके सामने आ गया XOS। और ये चलिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। ये स्टार्ट पर क्लिक हो गया, जस्ट अ सेकेंड, स्किप करते हैं नेक्स्ट करके, और यहाँ पे इसकी फिर से कर देते हैं। वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन मांग रहा है, और यहाँ पे जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको मांग रहा है, जिसको हम ओके कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये आपको गूगल सर्विसेज कर रहा है के लिए मांग रहा है अकाउंट बनाने के लिए। हम यहाँ पर भी एक्सेप्ट सब कुछ करके और स्किप एनी वे करके हम आगे बढ़ जाते हैं। सेटअप जो है बाद में उसका कर लेंगे। और जो है फ़ोन जो है, ये देखिए आज धीरे धीरे आपको आ गया XOS लॉन्चर के साथ। ये अब आपको जो है देखिए आपके डिस्प्ले पे आ गया है। टाइम जो कि नहीं सेट है, अच्छा फ़ोन लग रहा है, काफ़ी पतले बेजल्स इस पे दिखाई दे रहे हैं फ़ोन पे।
और कलर भी काफ़ी अच्छा है, टू शेड में आपको कलर दिख रहे हैं। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी बहुत अच्छा, HD+ जो डिस्प्ले दिया गया है इन्फिनिक्स द्वारा वो काफ़ी अच्छा है। और फ़ोन अभी जो है बूट हो रहा है, बूट पूरी तरीके से ये जो है हो चुका है। अभी जो है कहीं से थोड़ा सा कुछ अपडेट अपडेट ले रहा है, सेटिंग खुल नहीं रही। अच्छा ये देखिए सेटिंग खुल गया। और आपको ये देखिए, पहले हम चल के माई फोन्स में चेक करते हैं। ओसो ये देखिए अपडेट मान क्लोज ऐप, चलिए ठीक है ये हमारा आ गए जो है। आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि इसके बारे में सब कुछ दिया है। XOS है और जो है 2 GB रैम, 64 GB इंटरनल है, हीलियो A22 का प्रोसेसर दिया गया, बिल्ड नंबर IMEI है, अप टाइम आप देख सकते हैं 2 मिनट दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है डिवाइस में आपको मेंशन की गई हैं। IMEI नंबर दिया हुआ है, बिल्ड नंबर दिया हुआ है, अप टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड। अब चलिए जो है धीरे धीरे हम जो है कैमरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है कैमरा कैसा है। ये देखिए अभी सेटअप जो है हो रहे हैं, चलिए ठीक है कैमरे को ओपन कर लेते हैं। और ये आ गया AI कैमरा, चलिए एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। कलर काफ़ी स्मूथ और पंची दिख रहा है, चूँकि मेरा मोबाइल थोड़ा सही नहीं है तो इसलिए वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही है। तो चलिए जो है ये कैमरा क्वालिटी भी हो गई। और बाकी जो है फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो जो है 2 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी की अगर प्राइस की बात करें तो इसमें 6,999 रुपये में आपको मिल जाएगा अमेज़ोन से और फ्लिपकार्ट से। आप इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये फ़ोन ऑनलाइन सभी स्टोर मिल जाएगा, मैं दुकान का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूंगा और जिससे आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं मोबाइल।